नमस्कार दोस्तों, रिजिस्ट्रेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग आज के इस लेक्चर में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भुगतान संतुलन को जो है समझने का प्रयास करेंगे। एक चीज यहाँ पर मैं और पहले बता देता हूँ आप लोगों को कि विभिन्न प्रकार की नीतियों को हम लोग जो है पढ़ रहे हैं। और आर्थिक नीति जब हम लोगों ने प्रारंभ किया था तो वहां पर हमने देखा था कि दो प्रकार से जो है नीतियों को जो है देखा गया था। एक कार्यकारी नीतियां थी और दूसरा जो है नियंत्रक प्रकार की जो है नीतियां होती थी। तो हम लोग अभी कार्यकारी या इस प्रकार की नीतियों को जो देख रहे हैं जिसके अंतर्गत जो है नियोजन नीति, कृषि से संबंधित नीति, औद्योगिक नीति, यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ है। और इस पर अलग अलग टॉपिक्स के अंतर्गत जो है कई लेक्चर अपलोड किए गए हैं आप लोगों के लिए। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जो वैदेशिक नीति को जो है वैदेशिक नीति के अंतर्गत जो है भुगतान संतुलन को समझने का प्रयास करेंगे। और इसी में आगे आकर के जो है जनसंख्या से संबंधित नीतियाँ आएंगी और दूसरी तरफ जो नियंत्रक नीतियाँ हैं वो आपके राजकोषीय नीति और दूसरी तरफ जो है वो मौद्रिक नीति जिसे RBI के द्वारा बनाया जाता है का अध्ययन जो है करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे कि वैदेशिक आर्थिक नीतियां जो है क्या होती हैं और उसके अंतर्गत स्पेशली जो है वो भुगतान संतुलन को हम लोग जो है समझेंगे। तो जैसा कि अगर देखा जाए वैदेशिक आर्थिक नीति का तात्पर्य है कि भारत का, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है देख रहे हैं तो भारत का जो है पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से किस तरीके से जो है आर्थिक गतिविधियां या वस्तु सेवा या इससे संबंधित जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसमें किन किन प्रकार की जो है नियमों को जो है अपनाते हैं, क्या नीतियां जो बनाई जाती हैं, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो वैदेशिक आर्थिक नीति के अंतर्गत होता है। प्राचीन काल से अगर देखा जाए तो हम भारत का जो व्यापार है वो दुनिया के अलग अलग देशों से जो है होता रहा है। इसके अंतर्गत सिल्क रूट का जो है नाम आता है जो है। इसी तरीके से जो मध्यकाल और आने वाले समय में जो है अब डायमेंशन इसका जो है काफी व्यापक हो गया है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर के 1980 के दशक तक जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उतनी लिबरल नहीं थी जितना कि 1980 के बाद से जो है इसमें परिवर्तन देखा गया है। 1990-91 में जो है भारत में काफी कुछ उदारवादी नीतियों को अपनाया गया, विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को जो समाप्त किया गया और नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह की सरकार के जो माध्यम से नई आर्थिक नीति अपनाई गई उसके बाद से जो है भारत का जो आर्थिक लेन देन या आर्थिक गतिविधियां थी पूरी दुनिया के साथ जो है वो काफी बढ़ी और जो प्रतिबंध थे उसको जो है समाप्त किया गया। तो इस तरीके से जो है जब धीरे धीरे जो है देश की अर्थव्यवस्था में लगातार परिवर्तन होता गया तो ऐसी स्थिति में वस्तु सेवा पूंजी का अंतर प्रवाह बढ़ा और इससे संबंधित जो है जो कुछ अवधारणाएं थी जैसे भुगतान संतुलन या विदेशी विनिमय दर, विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह और व्यापार से संबंधित गतिविधियां जो है इस पर जो है सरकार के द्वारा नीति बनाई जाने लगी। तो इन सभी चीजों से संबंधित जो नीतियां हुई वही जो है वैदेशिक आर्थिक नीति के अंतर्गत जो है आती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो है किसी भी देश का दुनिया के अलग अलग देशों के साथ वस्तु सेवा पूंजी के जो है अंतर प्रवाह के परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन, इसी तरीके से विदेशी विनिमय दर, व्यापार से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती हैं वे वैदेशिक आर्थिक नीति के अंतर्गत जो है आती हैं। इसी तरीके से हम लोग IR भी जब राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो वहां पर इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये बहुत व्यापक अवधारणाएं हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो है जब एक देश दूसरे देश के साथ अपने संबंधों को जो है स्थापित करता है तो उसमें आर्थिक नीतियां भी आती हैं, राजनयिक भी आती हैं या इसी तरीके से हम रणनीतिक संबंध आते हैं या अन्य प्रकार की जो भी गतिविधियां आती हैं वो सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। और उसी के एक पार्ट के रूप में जो है हम आर्थिक गतिविधियों पर जो नीतियां बनाते हैं वो वैदेशिक आर्थिक नीति का जो है के रूप में जो है जानी जाती हैं। तो इसमें हम भुगतान संतुलन को जो है इस वैदेशिक आर्थिक नीति के अंतर्गत जो देखेंगे कि भुगतान संतुलन जो है क्या है। भुगतान संतुलन का तात्पर्य यहां पे है कि जब कोई भी देश जो है अलग अलग देशों से कोई आर्थिक व्यवहार करता है, लेन देन करता है तो उस लेन देन के सापेक्ष जो है भुगतान होते हैं। और संतुलन का तात्पर्य यह होता है कि एक देश
निर्यात के सापेक्ष भुगतान प्राप्त करता है और आयात के सापेक्ष जो है भुगतान करता है, तो इन सभी दोनों के संबंधों को देखा जाता है कि क्या भारत या किसी भी देश के अगर संदर्भ में देखा जाए तो उस विशेष देश के द्वारा कितना निर्यात किया गया और कितना आयात किया गया। यदि निर्यात जो है ज्यादा होता है तो भुगतान संतुलन पक्ष में कहा जाता है, यदि निर्यात कम होता है और आयात ज्यादा होता है तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल या विपक्ष में जो है कहा जाता है। अर्थात किसी भी देश के द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत या सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत या सामान्यतः उसे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के भीतर पूरी दुनिया से जो है किए गए समस्त लेन देन से संबंधित जो विवरण होते हैं वह भुगतान संतुलन कहलाते हैं। अगर हम लेखांकन के स्तर पर देखें, लेखांकन के स्तर पर जो भुगतान संतुलन है वो हमेशा ही जो है संतुलित होता है। जो भुगतान होता है हमेशा संतुलित होता है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां जब होती हैं तो हमेशा जो है प्रत्येक आर्थिक गतिविधि के सापेक्ष जो है दो प्रविष्टियां जो है की जाती हैं, एक तो आयात के जो वस्तुओं का मूल्य है और दूसरा उसके सापेक्ष भुगतान। तो यानी कि प्रत्येक आर्थिक गतिविधि के सापेक्ष जो है दो प्रविष्टियां होती हैं, उसके क्रेडिट और डेबिट जो है पक्ष होते हैं और उन दोनों का योग हमेशा बराबर होता है। ये लेखांकन के स्तर पर होता है। लेकिन कोई भी देश केवल आयात की ही आर्थिक गतिविधि नहीं करता बल्कि निर्यात की भी आर्थिक गतिविधि करता है। तो जो हम आयात करते हैं, जो वस्तु मंगाते हैं और आयात करते हैं, उसका मूल्य जो होता है उन सभी मूल्य और उन वस्तुओं का मूल्य दोनों बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से निर्यात के भी संदर्भ में है, जो हम प्राप्तियां करते हैं और वस्तु का जो मूल्य होता है वो भी बराबर होता है। लेकिन इन दोनों से मिल करके जब हम संतुलन की बात करते हैं, यानी कि आयात और निर्यात दोनों की, तब इसमें हमें यह देखना होता है कि कौन सा पक्ष जो है ज्यादा है, निर्यात का पक्ष ज्यादा है या आयात का पक्ष ज्यादा है। तो यही से ये निर्धारित होता है कि जो है ये भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में है या जो है विपक्ष में है, यानी कि अनुकूल है या प्रतिकूल है। यदि आयात जो है ज्यादा हो जाता है तो यानी कि जो है हमें भुगतान ज्यादा करना होता है, और यदि निर्यात ज्यादा हो जाता है तो भुगतान हमें ज्यादा प्राप्त होता है। तो किसी भी देश की जो नीति का उद्देश्य होता है वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का जो है निर्यात या वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करना होता है, ताकि हम वहां से भुगतान प्राप्त कर सके। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा प्राप्त करते हैं तो अपने आवश्यकता की अन्य वस्तुओं को उससे जो है क्रय करते हैं। तो ये चीजें रही हैं भुगतान संतुलन के संदर्भ में कि किसी भी देश का दुनिया के अलग अलग देशों के साथ एक वर्ष के अंतर्गत जो किए गए समस्त जो है आयात और निर्यात के जो विवरण जो है वो भुगतान संतुलन कहलाते हैं। और ये संतुलन जो है हमेशा लेखांकन के स्तर पर जो है संतुलित होता है। लेकिन चूंकि आयात और निर्यात दोनों से मिलकर के बना होता है और किसी भी देश के लिए जो है निर्यात का ज़्यादा महत्व होता है, ऐसी स्थिति में यदि निर्यात कम होता है तो वह स्थिति जो है भुगतान संतुलन की प्रतिकूल होती है, और यदि निर्यात ज्यादा होता है तो अनुकूल होता है। अब भुगतान संतुलन के अंतर्गत जो है 3 प्रकार की जो है खाते होते हैं जिससे मिलकर के भुगतान संतुलन बनता है। एक तो व्यापार खाता है, दूसरा है जो चालू खाता, और अगला है जो है पूंजी खाता। इन्हीं तीनों से मिलकर के जो है ये भुगतान संतुलन बनता है। मतलब इन्हीं तीनों के अंतर्गत जो लेन देन होता है, अब इसमें अलग अलग प्रकार के जो है आइटम रखे जाते हैं जिससे ये क्लियर होता है कि किसे व्यापार संतुलन कहा, व्यापार खाता, चालू खाता और पूंजी खाता कहा। अब इसमें जो है एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो है दृश्य मदों को जो सम्मिलित किया जाता है, यानी कि दृश्य मदों के अंतर्गत जो है सम्मिलित आइटम्स के जो है एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो है क्रय विक्रय का जो है या आयात निर्यात का समस्त विवरण जो होता है वो व्यापार खाते में जो है अंकित किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल दृश्य जो है मदों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें अदृश्य मद या जो है वित्तीय प्रकार के अंतरणों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अर्थात यह जो है व्यापार खाता भुगतान संतुलन का एक छोटा सा भाग होता है। अब दूसरा जो है चालू खाता है। अब चालू खाते में जो है दृश्य एवं अदृश्य दोनों ही प्रकार के मदों में सम्मिलित जो है
दोनों ही प्रकार के जो है मदों में सम्मिलित वस्तु एवं सेवाओं के एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो है समस्त लेन देन का जो है आर्थिक विवरण होता है वो चालू खाते के अंतर्गत जो है आता है। अब इसमें चालू खाते में जो है दृश्य और अदृश्य दोनों को सम्मिलित किया जाता है। और व्यापार खाते में केवल दृश्य को सम्मिलित किया जाता है। तो दृश्य के अंतर्गत वस्तुएं ही आती हैं, सेवाएं नहीं आती हैं। तो इसके अंतर्गत जो है दृश्य में जो है वस्तुओं से संबंधित हो जाता है, वस्तुओं के आयात निर्यात से जो है संबंधित जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, लेन देन होता है, आयात निर्यात होता है, वो दृश्य मदों में आती हैं। अदृश्य मदों के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से चार प्रकार की जो है आर्थिक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। अब सेवाओं के जो है आयात निर्यात की बात इसमें आती है। इसके साथ साथ चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य एवं मनोरंजन से संबंध की गई सेवाओं पर जो व्यय किए जाते हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। और इसके साथ में जो बीमा प्रीमियम की जाती हैं तथा वस्तुओं के परिवहन लागत के व्यय को सम्मिलित भी किया जाता है। जैसे अब यहाँ वस्तु तो है सम्मिलित, लेकिन यहाँ पर बात केवल उसके परिवहन से है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसकी सेवाएं दी जाती हैं। इसीलिए जब हम बजट पढ़ते हैं तो बजट में भी जो है परिवहन इत्यादि जो है वो हमारा सेवाओं के जो है सेक्टर में जो है सम्मिलित होता है। तो अदृश्य के अंतर्गत जो सेवाएं आती हैं, इसलिए केवल जो है वस्तु का जो परिवहन लागत इत्यादि होता है वो अदृश्य मदों के अंतर्गत जो है सम्मिलित होता है। तो ये जो है इसमें चार प्रकार की चीजें आप लोगों ने देखा कि जो है सेवाओं से संबंधित। अब सेवाओं में जितनी भी प्रकार की सेवाएं आ जाएगी वो सारी चीजें हो जाएंगी। और दूसरा है इसमें चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित की गई जो सेवाओं पर व्यय, बीमा प्रीमियम से संबंधित जो है व्यय, और परिवहन लागत जो आ रहा है वस्तुओं का उस पे संबंधित जो है व्यय, ये अदृश्य मदों के अंतर्गत जो है सम्मिलित होती है। अब अदृश्य और दृश्य दोनों को मिला करके हमारा जो चालू खाता बन जाता है। किसी भी देश के लिए भुगतान संतुलन के अंतर्गत सम्मिलित इन तीनों ही खातों में सबसे महत्वपूर्ण जो खाता है वो आपका चालू खाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इससे जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो रोजगार, उत्पादन और आय पर इसका सीधा संबंध होता है। मान के चलिए कि अगर किसी भी देश में परिवहन से संबंधित गतिविधियां काफी हो रही हैं तो उसमें लोगों को रोजगार भी प्राप्त होंगे, उससे आय भी होगा, उससे बचत भी होगा, और बचत का ही संबंध किसी देश के जो है निवेश और अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित होता है। तो इसलिए जो है चालू खाते के अंतर्गत जो भी दृश्य और अदृश्य मदें हैं, इन मदों की जो एक्टिविटी है या इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे किसी भी देश में जो है रोजगार, आय और उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, जिसका कि अर्थव्यवस्था की स्थिरता से जो सीधा संबंध होता है। इसलिए चालू खाता सबसे महत्वपूर्ण जो है होता है, जिसमें दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की मदों को सम्मिलित किया जाता है। तीसरी तरफ जो है पूंजी खाता, यह जो है वित्तीय अंतरणों से सम्मिलित है, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांसफर से जो है संबंधित होता है। और एक देश का एक वर्ष के अंतर्गत जो है समस्त जो है वित्तीय अंतरणों से संबंधित जो विवरण होता है वो पूंजी खाते में जो है अंकित किया जाता है। अब इसके अंतर्गत जो है स्वर्ण कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, स्वर्ण से संबंधित गोल्ड की बातें होती हैं, तो ये स्वर्ण ये पूंजी खाते में सम्मिलित होता है। दूसरा है ऋण, ऋण जो है, ऋण हो गया, ब्याज हो गया, अनुदान हो गया, ये सब चीजें जो है पूंजी खाते के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। इसी तरीके से जो है अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन अंतरराष्ट्रीय पूंजीगत हस्तांतरण, पूंजीगत हस्तांतरण को भी सम्मिलित किया जाता है। जब हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ कभी कभी टेक्निकल टर्म भी आते हैं, उस टर्म का अपना महत्व होता है, उसे कई बार जब आप पढ़ते हैं तो वो आपके मन मस्तिष्क में जो बैठ जाती है बात, और परीक्षा में जो है न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने में भी जो आपका मदद करता है, क्योंकि ऐसे शब्द हमेशा आपके पास आते रहेंगे। और जब आप किसी सेवा में जा रहे हों तो आपको सरकार की जो है नीतियों का क्रियान्वयन करना होता है, जब आप इन सब चीज़ों को समझते हैं तभी आप उससे संबंधित जो है नीतियों को अच्छे तरीके से व्यवहार में
क्रियान्वित कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको ऐसे ही क्लासेस के माध्यम से धीरे धीरे जब कुछ नई चीजें मिलती हैं सीखते हैं तो इंटरेस्टिंग भी होता है और आपके ज्ञान में वृद्धि भी होती है। तो कुछ चीजें जब आपको नई मिलेंगी, कुछ टेक्निकल मिलेगा, तभी आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो यह सब चीजों को आप समय के अनुसार जो है आप देखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये हो गया स्वर्ण और ऋण अनुदान, हो गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हस्तांतरण हो गए। इसी तरीके से राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित भुगतान, राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित जो है भुगतान। कई बार ऐसे भी चीजें होती हैं कि केंद्र सरकार के कुछ जो है अपने निगम है, उसकी संस्थाएं हैं, उससे संबंधित भी भुगतान किए जाते हैं। तो और दूसरी तरफ जो है कुछ राज्य सरकार के भी इसी तरीके से संस्थान निगम होते हैं, उनसे संबंधित भुगतान। जब हम बजट पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार की चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। बजट की चीजें जो हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं और पॉलिटिक्स में भी जो है राज्य व्यवस्था के अंदर, दोनों विषयों के अंतर्गत जो हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो यहां पर हो गया जो है राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित जो है भुगतान, या निजी प्रकार के निजी भुगतानों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। भारत के लोग जो है विदेशों में रह रहे होते हैं, विदेशों में काम कर रहे होते हैं, वहां से भी जो है भुगतान जो है प्राप्त होता है। तो इस तरीके से जो है पांच चीजें जो है इसमें सम्मिलित की जाती है। स्वर्ण हो गया, ऋण ब्याज भुगतान हो गया, अल्पकालीन दीर्घकालीन पूंजीगत हस्तांतरण को सम्मिलित किया जाता है, निजी प्रकार के भुगतानों को सम्मिलित किया जाता है और राष्ट्रीय संस्थानों से संबंधित भुगतानों को। एक्चुअली जब आप ये पूरा भुगतान संतुलन आप पढ़ रहे हो तो कुछ जो टर्म आएंगे उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आगे इसी से संबंधित अवधारणाओं को समझने में और परीक्षा में इससे संबंधित यदि कोई भी सवाल पूछे जाते हैं तो उसको लिखने में बहुत ही मदद मिलेगी, बहुत ही सहयोग आपका जो होगा। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म जो आएंगे उसको एक दो बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज इतना कठिन नहीं होता, बस केवल उसके बारे में सोचने की जरूरत होती है, मंथन करने की जरूरत होती है। और यदि कोई सवाल नहीं समझ में आता तो उसको पुनः पूछने की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि व्यापार खाता, चालू खाता और पूंजी खाते में किस प्रकार के जो आइटम्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज सम्मिलित है और इन सभी का जो योग होता है वो भुगतान संतुलन में सम्मिलित किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो एक वर्ष में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसकी समस्त एंट्रीज के आधार पर भुगतान संतुलन खाता जो है बनाया जाता है। भुगतान संतुलन को भी आपने समझा कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत एक देश का दुनिया के अलग अलग देशों से किए गए समस्त जो लेन देन होते हैं उसका जो विवरण होता है वही भुगतान संतुलन होता है। अगर हम इसे व्यवहारिक स्तर पर देखें तो किसी दुकान से हम तुलना कर सकते हैं कि अगर दो दुकान है, एक दुकान दूसरे के यहाँ जो है अपनी आवश्यकता की जो है चीजें मंगा रहा है और दूसरी वाली दुकान अपनी आवश्यकता की चीजें पहली वाली दुकान से मंगा रहा है, तो शाम को अगर एक दिन का ही विवरण देख लिया जाए तो हो सकता है उसमें यह संभव हो कि एक दुकान से दूसरे दुकान वाले ने 100 रुपए का सामान मंगाया हो और दूसरे दुकान वाले ने पहले वाले दुकान से 90 रुपए का सामान मंगाया हो, लेकिन भुगतान करने के बाद जो है लेखांकन के स्तर पर संतुलन हो जाता है। लेकिन जब मंगाने, खरीदने और बेचने की बात आएगी तो वहां पर जो व्यक्ति ज्यादा सामान बेचता है उसे जो है अच्छा माना जाता है और जो कम खरीदता है उसे जो है अच्छा माना जाता है। तो इस तरीके से जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है एक देश का अलग अलग देशों के साथ जो आर्थिक लेन देन से संबंधित गतिविधियां होती हैं उसका वार्षिक जो है विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। तो ये कुछ आज के लेक्चर में जो है वैदेशिक आर्थिक नीति, हम लोग अब ये जो वैदेशिक आर्थिक नीति प्रारंभ किए हैं इसके अंतर्गत भुगतान संतुलन हम लोगों ने देखा। और अगला जो लेक्चर होगा वो इसी से संबंधित होगा लेकिन कुछ अन्य उदाहरणों को लेकर के आएंगे। इसमें एक और टॉपिक और एक चीज मन में उत्पन्न होता है सवाल कि क्या भुगतान संतुलन निधि पक्ष में है तो क्या वो प्रत्येक स्थिति में सही ही होता है। भुगतान संतुलन यदि पक्ष में है तो क्या वो प्रत्येक स्थिति में सही ही होता है। अब यहां पर इस बात को देखने के लिए, समझने के लिए हमें यह समझना आवश्यक होगा कि भुगतान संतुलन में जो खाते सम्मिलित होते हैं, अगर हम व्यापार खाते को भी हटा देते चालू खाता, क्योंकि चालू में ही जो है व्यापार खाते की भी दृश्य मद इसमें शामिल हो जाते हैं और दूसरा जो है वो पूंजी खाता होता है। इन दोनों के जो है आधार पर हमारा भुगतान संतुलन एक वर्ष का बनता है। तो चूंकि दोनों इसमें जोड़े जाते हैं तो यह संभव है कि हो सकता है ये किसी देश का जो है
प्लस हो और ये जो है माइनस में हो, ये हो सकता है कि चालू खाता घाटे में हो और पूंजी खाता जो है वो अनुकूल हो। तो इन दोनों की अलग अलग संभावनाएं हो सकती हैं जिसके आधार पर हमारा भुगतान संतुलन होता है। तो ऐसी स्थिति में ही यह सवाल उत्पन्न हो जाता है कि क्या भुगतान संतुलन यदि अनुकूल है तो क्या वो प्रत्येक स्थिति में सही ही हो सकता है? ऐसा प्रत्येक स्थिति में होना जरूरी नहीं है। इसी बात को देखना है कि यदि चालू खाते का आधिक्य है, यानी कि हमने चालू खाते में जो है प्लस स्थिति है या अनुकूल स्थिति है, या इससे संबंधित जो आइटम्स हैं, जो एक्टिविटी हैं, उसका हम ज्यादा निर्यात कर रहे हैं, तब तो जो है कोई देश की जो अर्थव्यवस्था है वो स्वस्थ अर्थव्यवस्था या मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में मानी जाएगी। लेकिन यह भी संभावना बन सकती है कि वहां पर पूंजी खाते से संबंधित जो है प्राप्तियां अंतर प्रवाह ज्यादा हुई हों, तो यदि इससे संबंधित जो आर्थिक गतिविधि है या जो आइटम्स हैं, जो भी जैसा कि स्वर्ण ऋण इत्यादि की बात की जा रही है, तो हमारा जो है भुगतान संतुलन तो पक्ष में हो जाएगा, परंतु इसके कारण से जो है वहां पर ब्याज लाभांश या पूंजी के जो है बहिर्प्रवाह की देयता या संभावनाएं विद्यमान रहेगी कि जो पूंजी आई है बाहर से ऋण के रूप में या किसी निवेश के रूप में, तो वो बाहर जा सकती है। यदि जब बाहर जाएगी तो ऐसी स्थिति में पुनः जो है उस वर्ष में जो है वो भारत या किसी देश के समक्ष जो है भुगतान संतुलन की जो है समस्या उत्पन्न करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है चालू खाते के आधार पर यदि किसी भी देश का भुगतान संतुलन पक्ष में है तो वह वहां पे एक स्वस्थ आर्थिक गतिविधि या एक मजबूत अर्थव्यवस्था का जो द्योतक होगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो चालू खाते से संबंधित आर्थिक गतिविधियां हैं वो देश में जो है रोजगार, उत्पादन और आय इससे संबंधित होती हैं। तो यह कहीं ना कहीं जब इस क्षेत्र में जो काम होता है तो अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ बढ़ता है। तो ये दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन का पक्ष में होना यदि चालू खाते के आधार पर है तो वह महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर ये सवाल बनता भी है कि क्या भुगतान संतुलन प्रत्येक स्थिति में जो है वो देश के अनुकूल ही हो सकता है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। यदि वो चालू खाते के आधार पे है तो सही है, यदि पूंजी खाते के आधार पे है तो इसमें भविष्य में जो चालू खाते भुगतान संतुलन को लेकर के समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में देयता बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है। अगली चीज है कि भुगतान संतुलन यदि क्या उपाय होते हैं। भुगतान संतुलन की समस्या अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 76-77 या 75-76 के एक दो वर्षों को छोड़ करके हमेशा ही भुगतान संतुलन भारत में जो है प्रतिकूल ही रहा है। तो क्या ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर इस तरीके की स्थितियां जो है बनी थी, और भारत में जो स्थिति बनी थी वो हमेशा चालू खाते के जो है आधार पर होती थी, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वस्थ संकेत नहीं होता है, क्योंकि चालू खाते का हमेशा से अगर वो अनुकूल होता है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। तो जो समस्याएं रही उसका अगर निराकरण देखा जाए कि उपाय इसके क्या हैं, तो हमारे लिए सबसे पहला उपाय यही कि भाई जैसे निर्यात जब ज्यादा होगा तभी पक्ष में होगा, तो इसमें निर्यात को जो है बढ़ाने पर जो है जोर देना चाहिए, निर्यात को जो है बढ़ाने पर जो है जोर देना चाहिए, तभी भुगतान संतुलन जो पक्ष में आएगा, क्योंकि जब हम निर्यात करेंगे तो हमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मुद्रा जो प्राप्त होगी, और आयात को कम करने का प्रयास। अब यहां एक सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या आयात को एकदम कम कर दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और वर्तमान समय में ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है और देश की जनसंख्या के अनुसार जो है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप आयात को पूर्णतया कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों के जीवन स्तर के अनुसार आवश्यकताओं, वस्तुओं की और सेवाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन आयात को कम करने का प्रयास करना चाहिए या इसको जो है प्रतिस्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिस्थापित का मतलब यह है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं को हम निर्यात आयात कर रहे हैं उस वस्तु और सेवा को अपने देश से ही जो है पूरा करने का प्रयास होना चाहिए। तो आयात को कम करने का प्रयास होना चाहिए, निवेश को जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि निवेश के माध्यम से तकनीक भी आती है, लोगों को रोजगार मिलता है, प्रतियोगिताएं बढ़ती हैं और उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म के जो है प्रतिस्पर्धी मूल्य पर जो है वस्तु और सेवाएं प्राप्त होती हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है कि निवेश को जो है हमें बढ़ाना है, निवेश को जो है
वो हमें बढ़ाना है। इसी तरीके से रुपए का अवमूल्यन, रुपए का अवमूल्यन या रुपए की परिवर्तनीयता और राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण या मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण, ये सारी चीजें भी जो है कहीं ना कहीं भुगतान संतुलन के उपाय के रूप में माना जाता है। तो यहां पे रुपए का जो है अवमूल्यन, रुपए का अवमूल्यन और रुपए का जो है परिवर्तनीयता, और राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा और इसके साथ साथ में जो है मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण, ये सारी चीजें और इससे संबंधित जो नीतियां सरकार को जो है मजबूती के साथ बनाना चाहिए, उसको लागू करने का प्रयास करना चाहिए, तो भुगतान संतुलन कहीं ना कहीं जो है पक्ष में आ जाता है। कुछ ऐसी भी गतिविधियां कई बार ऐसी हो जाती हैं, जैसे कोई आपदाएं आ जाती हैं, तो उस समय जो है सरकार के समक्ष व्यय की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो भी चीजें जो है इसके लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करती हैं। लेकिन कुछ ये गतिविधियां हैं जिसे सरकार क्रियात्मक स्तर पर जो है नीतिगत स्तर पर बना सकता है और इसको इम्प्लीमेंट करके जो भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में जो कर सकता है। तो कुल मिलाकर के जो है आज के लेक्चर में हम लोग ने भुगतान संतुलन और उसके अंतर्गत जो है तीन प्रकार के जो है खाते, भुगतान संतुलन का पक्ष या विपक्ष में होने की जो है एक अंतिम स्थिति या क्या कंडीशन हो सकता है कि प्रत्येक स्थिति में भुगतान संतुलन अच्छा होता ही है या नहीं, इससे संबंधित और भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में करने के उपाय के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अगले लेक्चर में पुनः हम जो है इन्हीं सब टॉपिक्स, कुछ यहाँ से जो है रुपए का अवमूल्यन, परिवर्तनीयता और राजकोषीय घाटा इत्यादि आ रहा है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको भी जो है कवर करने का जो प्रयास करेंगे, ताकि इस वैदेशिक आर्थिक नीति से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हो सके। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। पुनः अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।